हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञास ट्रेडर कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का सामान भी मेरी तरह फैला हुआ है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ऑर्गेनाइजिंग टिप्स और कुछ हैक्स बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे स्टैंड्स वगैरह बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अपनी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो नाउ मैंने जो ये ट्रिकलर पेन स्टैंड बना रखा है, अब इसमें अपने पेंस वगैरह रखूँगी एंड कैटेगरी वाइज हम इन्हें रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं वो कलरफुल पेंस लूँगी। देखिए कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो हमें इसे आज 2 मिनट के अंदर अंदर इस सबको जचाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जो ये हमारे पास पेंस हैं, अब मैं इसको सबसे बड़े वाले कॉलम में रख रही हूँ। OMG, मेरी सीजर कहाँ गुम हो गई? ये मिल गई। तो अब मैं इसको भी बड़े वाले कॉर्नर में रख रही हूँ। एंड जो हमारे पास ग्लू वगैरह है वो भी हम रखने वाले हैं। ओहो, ये तो मेरे मेमो पैड्स वगैरह सब कुछ ख़राब हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस बॉक्स में इन सबको रख देती हूँ। मैंने इसमें अपने सारे स्टिकर्स वगैरह जता दिए हैं, अब मैं इसको पैक कर रही हूँ। अब मेरे पास एक स्टैंड है, मैं उसमें अपने ना ब्रश पेंस रख रही हूँ। हम हमारी सीजर रखेंगे अब इसमें। एंड ये हमारा ब्रश स्टैंड, सो हम इसमें हमारी ब्रशेस रख रहे हैं। तो अभी हमारा ट्रिकर स्टैंड के सेकंड कॉलम में हम इन फ्लूट्स को रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इतनी चीज़ों को तो ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो अब हमें और चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करना है। बट हमारे पास बहुत सारे स्टैंड्स हैं, इसलिए हम उनको सारी एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो हमने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है एंड उस पर वाइट पेपर चढ़ा दिया है। एंड अब हम इसके अंदर हमारे जो पेन स्टैंड हैं उनको फिट करेंगे। अब हम इन्हें फिट कर लेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर अपने ब्रश स्टैंड को इसमें फिक्स कर लिया है। दोस्तों, अब हम इसमें और भी सारी चीज़ें रखेंगे, जैसे कि हमारे पास जो स्टेपलर है, ये हम इन दोनों के बीच में रख सकते हैं या फिर इसके अंदर भी रख सकते हैं। एंड हमारे पास जो ग्लू है उसके लिए यहाँ पर साइड में जगह बच रही है, हम यहाँ पर रख देंगे इसे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो छोटे से बॉटल का काट के रख रखा है, वो भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसमें हमारा कितना सारा सामान फिक्स हो चुका है। एंड देखिए, इसमें मैंने मेमो पैड्स रख दिए थे मेरे। एंड ये जो हमारे पास पॉप्सिकल हमारा DIY स्टैंड है, इसमें हम हमारे पेंस वगैरह रख देंगे। OMD, HB पेंसिल भी इसमें आ चुकी है। फ्रेंड्स, हम इसमें अपने सारे पेंस वगैरह रख देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो ये पेंसिल्स वगैरह हैं उन्हें हम प्रज्ञास क्रिएटिव कॉर्नर बॉक्स में रख देंगे। हमारे पास अभी जो ये रिबन्स एंड स्टार्स वगैरह हैं उन्हें भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। एंड इसकी हाइट इतनी लंबी है कि हम इसमें आराम से हमारे ये जो वाटर कलर है उन्हें भी रख सकते हैं। सब हम इसको पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास ये बॉक्स भी हमने रेडी कर लिया है। एंड हमारे सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो मेमो पैड्स थे वो हमने इसमें रख दिए हैं। एंड देखिए, जो पहले हमारे पास इतना ज़्यादा मेस था, अब वो कितना ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।